I will start. Now I will do practice as according to MCQs. First of all, picture based question in this chapter. First picture, that is cover page of this picture, is Dawn of the Century. DAWN, Dawn of the Century. कौन से ईयर में हुई थी ये पब्लिश? 1900. म्यूजिक पब्लिशर, ठीक है, म्यूजिक पब्लिशर. यस, वेट फॉर वन मिनट. सीमा पे कम ईयर, यहाँ पे आ जाओ, कम ईयर यहाँ पे. यस, सो Who published this picture? Name of the music publisher क्या था बच्चे? E.T. Paul. क्या था? E.T. Paul. Music publisher थे. कौन से year में हुई थी ये? 1900. इस picture का cover page क्या था? Cover page क्या था इसका? Dawn of the Century. इसमें एक women figure दिखाई गई है, वो किसको personify करती है? Progress, angel of progress दिखाई गई है. एंड उसके हाथ में एक फ्लैग है, फ्लैग ऑफ न्यू सेंचुरी, ठीक है. एंड शी स्टैंडिंग ऑन अ व्हील, वो व्हील के ऊपर दिखाया गया उसको विद विंग्स. इसका मतलब है कि वो पुरानी सेंचुरी से कहाँ जा रही है? न्यू सेंचुरी. लेकिन उसके पीछे कुछ इमेजेस दिखाई गई हैं जो ये शो करती है कि उस टाइम पीरियड में उनको, लोगों को उनकी नॉलेज थी. किस किस की नॉलेज थी? रेलवे, रेलवे की नॉलेज थी, कैमरा की नॉलेज थी उनको, मशीन्स की नॉलेज थी, एंड प्रेस, फैक्ट्री. तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड में लोगों को ये नॉलेज थी. तो ये जो पिक्चर है किसकी ग्लोरिफिकेशन दिखाती है? किसकी? मशीन्स. हाँ जी दिलप्रीत, म्यूजिक पब्लिशर का नेम E.T. Paul. कौन से ईयर में पब्लिश की? 1900, ठीक है. एंजल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? प्रोग्रेस को. तो उसका जो मार्च, मार्च का मतलब है कि वो जा रही है, कहाँ पे जा रही है? कहीं जा रही है, हिल स्टेशन जा रही है. कहाँ जा रही है? फ्यूचर. फ्यूचर में उसका जो है दिखाया, पिछली सेंचुरी से अगली सेंचुरी में उसकी जो है वो विंग्स दिखाए हैं कि वो अगली सेंचुरी में जा रही है. पिछली सेंचुरी में उनको इनकी नॉलेज है. किस किस की नॉलेज है? रेलवे की थी, कैमरा, फैक्ट्री, प्रेस, मशीन्स, ठीक है. आगे आ जाइए, नेक्स्ट जो पिक्चर है दैट इज ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज ईस्टर्न, एंड नीचे जो दिखाया गया है दैट इज वेस्टर्न. ऊपर वाले पोर्शन में दिखाया गया है एक पर्सन जिसका नाम क्या था? अलादीन. उसके हाथ में क्या दिखाया गया है? मैजिक लैम्प. इट मीन्स वो मैजिक लैम्प रब करके बड़ी बड़े बिल्डिंग्स मिरेकल से बनाता था. लेकिन नीचे दिखाया गया है कि लोग, वो वेस्टर्न लोग जो हैं वो मिरेकल पे विश्वास नहीं करते. किस पे विश्वास करते हैं? हार्डवर्क एंड लेबर. और इनकी कंट्रीज में हार्डवर्क लेबर कौन है? मैकेनिक. इसका मतलब है आर्किटेक्ट है, मशीन्स है, मैकेनिक्स हैं, जो बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग्स को जो है बनाते हैं. इट मीन्स ये दिखाया गया है ईस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट का कॉम्बिनेशन, जिसमें वो लोग ईस्ट को पास्ट मानते हैं, पिछड़ा हुआ मानते हैं. वेस्ट, वेस्ट को लोग क्या मानते हैं? मॉडर्न. और ये जो है इसका कवर पेज का नेम क्या है? टू मैजिशियंस. मैजिशियन कौन होते हैं? जादूगर. तो दोनों ही जादूगर हैं. कैसे? अलादीन जो है वो मैजिक से अपना जादू दिखाता है, एंड मैकेनिक कैसे जादू दिखाता है? हार्डवर्क से. तो इस तरह से ये पिक्चर की इलेबोरेशन, अच्छी तरह से इसको, इलेबोरेशन को अच्छी तरह से रीड करना आपको. नेक्स्ट आ जाओ, बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेसिकली हम कहते हैं कि 19th century. लेकिन बच्चे इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज. लेकिन इससे पहले भी ये माना जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेड बहुत ज्यादा जो है इंक्रीज हुआ था. लेकिन इससे पहले भी ट्रेड होता था. इसका मतलब क्या है कि 19 सेंचुरी से पहले भी इंटरनेशनल ट्रेड होता था. कैसे होता था वो हमने पढ़ना है. उसको पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? कौन सी सेंचुरी? 19 से पहले कौन सी सेंचुरी?
17 एंड 18 सेंचुरी का टाइम पीरियड पढ़ेंगे, इसको क्या कहेंगे? प्रोटो। प्रोटो का मतलब होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का टाइम। 17 और 18 सेंचुरी, 200 साल की स्टोरी को हमने सिर्फ 3-4 लाइंस में हमने पढ़ना है। कैसे? हमने बताना है कि 19 सेंचुरी से पहले भी 17 और 18 सेंचुरी में यूरोप में जो लोग थे वो इंटरनेशनल बिजनेस करते थे। कैसे? एट दैट टाइम इन 17-18 सेंचुरी सिटीज भी थी और क्या थे, विलेज भी थे, लेकिन सिटीज में क्या थी? गिल्ड्स। गिल्ड्स क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, जो किसी भी नए बिजनेसमैन को अपने ट्रेड में इजीली जो है वो एंटर नहीं करवाती। ठीक है, देन प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत से ऐसे न्यू मर्चेंट्स जो थे वो कॉटन टेक्सटाइल में पैसा कमाना चाहते थे क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ रही थी। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल में मनी अर्न करना चाहते थे, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस के कारण दे वर नॉट फ्री टू ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे थे। तो मैन्युफैक्चरिंग कहां से करते? दैट्स व्हाई दे टर्न टू विलेज एरियाज। तो मतलब ये सोचो कि 17-18 सेंचुरी 200 ईयर्स जो है वो विलेज एरियाज में डोमेस्टिक यूनिट्स में लोग काम करते थे, फैक्ट्रीज वगैरह नहीं होती थी। सिटीज में तो काम होता ही था लेकिन विलेज के लोग भी इंटरनेशनल बिजनेस में कंट्रीब्यूट करते थे। कैसे करते थे? अब हमने बताना है दैट ड्यूरिंग प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन मैनी मर्चेंट्स दे मूव टू विलेज एरियाज। कैसे? विलेज एरियाज में एक मर्चेंट का एग्जाम्पल लेना है हमने। एक मर्चेंट जो था, वन मर्चेंट फॉर एग्जाम्पल, कोई भी क्लोथ मर्चेंट जो था उसके पास 20+20+20+20 कितने हो गए? 80। ये 20 भी हो सकते थे और 25। तो अगर 25 को करेंगे कितना आएगा? 100। यानी कि हर मर्चेंट के अंडर 100 लेबर थे, लेकिन वो एक फैक्ट्री में नहीं थे, वो अपने अपने घरों में रहते थे। तो मर्चेंट जो थे वो विलेज एरियाज में जाकर क्लोथ के अलग अलग स्टेजेस होती थी। स्टेजेस कौन सी होती थी? राइट डाउन। नंबर वन सैपलर, 20 सैपलर जो वूल या कॉटन को सैपल करते थे, सीड्स निकालते थे उनके। देन स्पिनर, उसके बाद सेकंड स्टेज क्या थी? स्पिन करना, कॉटन को स्पिन करके क्या करना, उसका धागा बनाना। थर्ड क्या थे? फुलर, FULLER, फुलर जो गैद जो क्या करते थे, क्लोथ प्लीट का मतलब होता है थ्रेड से कपड़ा बनाना। एंड 20 और कौन होते थे जो क्या करते थे, उसको डाई करते थे। तो एक क्लोथ मर्चेंट के पास 80 से लेकर 100 वर्कर हो सकते थे। फोर स्टेजेस कौन सी थी? सैपलर, स्पिनर, फुलर एंड डायर। तो इस तरह से 200 ईयर्स तक जब फैक्ट्रीज नहीं थी विलेज एरियाज में भी लोग इंटरनेशनल मार्केट के लिए कंट्रीब्यूट करते थे। लेकिन ये टाइम चेंज हुआ, उसके बाद ये टाइम खत्म हो गया, क्योंकि हमने एक ही चैप्टर में कितना कुछ पढ़ रहे हैं। तो हमने बताना है कि प्रोटो के बाद फिर जो नया टाइम आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन फैक्ट्री सिस्टम आया, उससे क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नेम आपने याद रखना है रिचर्ड ऑर्कराइट। Why he is given importance? Because he created first cotton mill. ये mill system लेकर आया। He introduced mill system. Mill क्या होती है? Cotton की mill क्या होती है? जिसमें सारा काम एक ही छत के नीचे होता है, एक ही roof के नीचे होता है, उसको बोलते हैं mill. Mill का मतलब क्या होता है? Kind of small unit of factory. अगर आप किसी भी cotton mill में गए होंगे तो वहां पर क्या होता है, रॉ मटेरियल लाते हैं, एक सेक्शन होता है वहां पे सैपलिंग की जाती है, एक सेक्शन होता है वहां पे स्पिनिंग की जाती है, एक सेक्शन होता है वहां पे कपड़ा बनाया जाता है, एक सेक्शन होता है वहां पे डाइंग, या फिर
अगर वहां पे कपड़े का काम नहीं होता तो वहां पे सिर्फ अगर थ्रेड ही बनाना होता है तो वो लोग कॉटन से सिर्फ थ्रेड ही बनाते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनका काम जो है वो कितना उन्होंने मशीन्स जो है एनलार्ज की। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि रिचर्ड आर्कराइट का जो कंसेप्ट था इससे मिल सिस्टम का आना शुरू हुआ और मिल के आने से सारा का सारा प्रोडक्शन का काम जो था वो एक ही यूनिट के अंदर होने लगा और बहुत से लोग विलेज एरिया से भी कहाँ पे आ गए, कहाँ पे आ गए, सिटीज में। ठीक है, तो कौन सा टाइम था ये? अल्टीमेटली 1730 तक इंग्लैंड का लैंडस्केप चेंज होना शुरू हो गया। 1730 से पहले इंग्लैंड में इतनी मिल्स नहीं थी, लेकिन 1730 ऑनवर्ड धीरे 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 मिल सिस्टम शुरू हो गया। ठीक है, और इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर में एक रेवोल्यूशन आ गया। सबसे पहला रेवोल्यूशन ही किसमें आया? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, और इसको हमने एक एग्जांपल से बताना है। 1787 मैंने आपको बताया, 1730 में लैंडस्केप धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया। 1787 में एक डाटा आपने नोट करना है, 1760 पहले कंपेयर करो, पहले कंपेयर करो 1760 और उसके बाद फिर आपने लिखना है 1787। पहले लिखो 1760 में क्या था। इन 1760 ब्रिटेन इंपोर्टेड 2.5 मिलियन पाउंड, 2.5 मिलियन पाउंड ऑफ रॉ कॉटन। इन 1760 ब्रिटेन इंपोर्टेड 2.5 मिलियन पाउंड ऑफ रॉ कॉटन, लेकिन 1787 में ये कितना इंक्रीज हुआ ये हमने बताना है, 22 मिलियन रॉ कॉटन। इतनी रॉ कॉटन का उन्होंने क्या करना था? मिल्स में क्या करते थे वो? रॉ कॉटन से क्या करते थे? थ्रेड बनाते थे, कपड़ा बनाते थे। तो खुद ही सोचो कि 1730 में फैक्ट्रीज आई, उसके बाद धीरे धीरे 1760 में 2.5 और 1787 तक ये फिगर बढ़ते बढ़ते 22 हो गए। तो आप खुद सोचो कि उस टाइम पीरियड में कॉटन टेक्सटाइल में कितना ज्यादा जो लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा। एंड इम्पॉर्टेंट प्लेस लैंकाशायर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस माना गया। ये प्लेस सुटेबल है कॉटन के लिए, इंग्लैंड में ये प्लेस सुटेबल है लैंकाशायर। लंदन की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? बेस्ट कॉटन स्पिनिंग लोकेलिटी, बेस्ट कॉटन स्पिनिंग लोकेलिटी। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बीतता गया आगे से आगे कॉटन टेक्सटाइल की जगह किसने ले ली? आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। पहले 1840 तक कॉटन एंड 1840 ऑनवर्ड्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आया। तो अगर मैं ये कहूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले किसमें आई? कॉटन टेक्सटाइल, सेकंड सेकंड आयरन एंड स्टील। ठीक है, लेकिन अभी भी बच्चे जब लोगों ने मशीन्स जो हैं वो बनानी शुरू कर दी, लेकिन मशीन्स खरीदते नहीं थे लोग, क्यों? रीजन क्या था? अभी भी बहुत से लोग विलेज एरियाज में काम करते थे। फीचर, अगर मैं ये कहूँ ना कि फीचर क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन के, तो आप ये कहोगे कि स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब लोगों ने मशीन्स को वेलकम नहीं किया। रीजन क्या था कि अब हमने वैसे लॉन्ग क्वेश्चन हम करते हैं कि रीजन क्या थे, अगर हम शॉर्ट में करते हैं तो हम बताते हैं कि मशीन्स बहुत कॉस्टली थी, कॉस्टली मशीन्स वर देयर, रिपेयर वॉज वेरी कॉस्टली, मशीन चलते हुए रुक जाती थी, इंजीनियर कितने कितने दिनों तक आते नहीं थे, मैकेनिक्स नहीं आते थे, और मैकेनिक्स कोई कोई होता था उस टाइम पीरियड में। आजकल तो आप जिसको फोन करो तो दे आर अवेलेबल, लेकिन उस टाइम पीरियड में मशीन्स की नॉलेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं होते थे। ठीक है, इंजीनियर्स नहीं होते थे, तो ये प्रॉब्लम, स्पेयर पार्ट्स इजिली नहीं मिलते थे, हर जगह नहीं मिलते थे, तो इसीलिए लोग स्टार्टिंग में मशीन्स खरीदने से कतराते थे। एक और भी प्रॉब्लम क्या थी कि मशीन्स जो थी, ठीक है, उस टाइम पीरियड में कॉस्टली होने के कारण प्रोड्यूसर्स को लेबर तो इजीली मिल रही थी क्योंकि तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, और लेबर तो कम वेज पे भी काम करने को तैयार थी। ठीक है, तो प्रोड्यूसर जो है उनको लगा कि उनका काम हो रहा है, लेबर कम वेज पे भी काम करने को तैयार है, सो दैट्स व्हाई दे प्रेफर्ड
दे प्रेफर्ड हैंड लेबर एज कंपेयर टू मशीन। यहां तक जो कंसेप्ट है इसमें हमने बताना है कैसे जेम्स वॉट का हम बताएंगे, ठीक है। तो राइट डाउन जेम्स वॉट, कहने को तो जब भी जेम्स वॉट का नाम आता है स्टीम इंजन का नाम जेम्स वॉट के साथ ही लेते हैं, लेकिन जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को क्या किया था, इंप्रूव किया था। तो इसको सबसे पहले प्रोड्यूस किसने किया, न्यू कॉमन। उसके बाद जेम्स वॉट ने इसको क्या किया, इंप्रूव किया और इसको पेटेंट करवाया। किसके साथ मिलकर, इनका फ्रेंड था उसका नाम क्या था, मैथ्यू वॉल्टन। तो इन दोनों का नाम आता है स्टीम इंजन के साथ। अगर आपको पूछे प्रोड्यूस किसने किया तो न्यू कॉमन, इंप्रूव किसने किया जेम्स वॉट ने, पेटेंट किसने करवाया जेम्स वॉट ने मिलकर मैथ्यू वॉल्टन के साथ, उसको उसकी एडवांस जो है टेक्नोलॉजी बनाई। लेकिन अच्छा ईयर भी आपको पता होना चाहिए कि कब इसने मतलब करवाया था, 1781, ठीक है। अब हमने एग्जांपल बताने हैं कि शुरू शुरू में इस पर्टिकुलर टाइम तक भी लोग मशीन्स खरीदने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। जेम्स वॉट ने स्टार्टिंग में जितने भी इंजन्स बनाए उसमें से बहुत ही कम बिके, कितने बिके कितने नहीं तो उसको हम बताना है। टोटल उसने बनाए स्टीम इंजन 321 स्टीम इंजन टोटल थे, उसमें से 80 कॉटन इंडस्ट्री में, 80 थे कॉटन इंडस्ट्री में, 9 थे वूल इंडस्ट्री एंड अदर्स में हमने अदर सेक्टर बताना है। अदर्स में कुछ भी हो सकता है, माइनिंग, कैनल, आयरन वर्क्स, कुछ भी हो सकता है। आयरन मेल्टिंग के लिए चाहिए होता है स्टीम इंजन, कॉटन थ्रेड बनाने के लिए, पानी को गर्म करना, डाइंग करना, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 321 ही थे, मतलब खुद सोचो कि कितनी कम इनकी सप्लाई भी थी और डिमांड भी कम थी। इट मीन्स दिस वॉज स्लो टू बी एक्सेप्टेड। स्लो टू बी एक्सेप्टेड का मतलब लोग धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट कर रहे थे, है ना। और रीजन मैंने आपको बताया कि वर्कर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल थे तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड और भी प्रॉब्लम बता सकते हो, रॉयल्टी किसको डिमांड करती थी, हैंडमेड, क्योंकि रॉयल्टी को लगता था कि जो मशीन मेड गुड्स होती हैं वो कॉमन होती हैं और एक जैसी होती हैं, उनके डिजाइन एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। अब आजकल की यंग जनरेशन जो है वो ब्रांडेड गुड्स लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो जो ब्रांड है वो आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक रीजन होता है कि आप कई बार कॉस्ट आपको मैटर नहीं करती। तो पुराने टाइम पीरियड में रॉयल्टी को कॉस्ट मैटर नहीं करती थी, हैंडमेड गुड्स कॉस्टली होती थी, मशीन मेड गुड्स सस्ती होती थी, लेकिन वो यूनिक नहीं होती थी। तो उनको रॉयल्टी को ये लगता था कि कॉमन लोग उनको कॉपी ना करें, इसलिए उनके टेस्ट जो था वो डिफरेंट था। वो अपने लिए अलग से हैंडमेड जो आइटम डिजाइन करवाते थे ताकि वो चीजें कॉमन लोगों के पास ना हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम। अच्छा यहां तक टाइम पीरियड अभी तक हम क्या कर रहे हैं, 1781। फिर क्योंकि हमने इस चैप्टर में बहुत टाइम आगे का पढ़ना कवर करना, आप इमेजिन करो 50 इयर्स के बाद का टाइम पीरियड। 50 इयर्स में तो जनरेशन चेंज हो जाती। तो सपोज अब मैं आपको ये एक बात बताऊं कि आप अगर ये सोचो कि आपने घर में एक मेड जो है उसको एम्प्लॉय किया, मेड को आप इजी यानी कि कम रेट पे भी आप रख लोगे, आप सोचोगे कि हाँ अच्छा है, चलो हमें मेड जो है वो कम रेट पे मिल गई। लेकिन मेड की क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी, अगर वो छुट्टी करेगी तो क्या होगा, हाँ काम नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर आपने उसके मनी जो है डिडक्ट कर लिया, देन शी विल क्रिप फॉर दैट, क्योंकि उसको पता है अगर ये मैं यहाँ पे नहीं काम करूंगी उसको कहीं और काम मिल जाएगा, है ना। तो सपोज अगर एक फैमिली है उनको ये लगता है कि हमारे पास मनी है, जो मेड है उनके जो क्लोथ है उनको वॉश करने के लिए उसको रखा गया स्कूल, तो फैमिली विल प्रेफर टू बाय फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ठीक है। उन्होंने फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले ली, तो इससे जो मेड की प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो। कैसे, क्योंकि अब उनको हर रोज मेड की वेट नहीं करनी पड़ेगी,
मेड कभी मॉर्निंग में आएगी कभी इवनिंग में आएगी, उसको सुपरवाइज करना, सपोज आप उसके आप कहीं जा नहीं सकते जब तक मेड काम कर रही, आपको उसको प्रॉपरली सुपरवाइज करना पड़ेगा। एंड अगर आपको उनकी वॉशिंग नहीं पसंद आएगी, आप कंप्लेंट करोगे तो वो छोड़ के भी जा सकती, इट मीन्स आपको उनके टेंट्रम्स जो हैं वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। आपने देखा ही होगा अपने मदर्स को, है कोई जो है मेड इजीली काम कर लेती, आपको बोलना ही पड़ता है ना, नहीं बोलना पड़ता, नहीं बोलना पड़ता, चलो अच्छी बात है क्या चलो ठीक है ठीक है। मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया कि इट इज बेस्ट टू बाय फुली ऑटोमेटिक इफ यू हैव मनी, ताकि आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। ऐसे ही उस टाइम पीरियड में जिन लोगों के पास मनी थी उन लोगों ने मशीन्स को खरीदना बेटर समझा, क्योंकि जो काम पहले 100 लेबर करते थे वही काम एक लेबर का काम एक मशीन, कैसे, स्पिनिंग जेनी, ये एक नई मशीन जो है वो उस टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस हुई। इसका नाम क्या था, स्पिनिंग जेनी। इसको किसने बनाया था, जेम्स हरग्रीव्स। ये जो मशीन थी ये लेबर्स को रिप्लेस करने लगी, कैसे रिप्लेस करने लगी, पहले एक व्हील पे एक पर्सन एक थ्रेड बना स्पिंडल बनाता था, एक रोल, पहले क्या होता था एक व्हील पे एक पर्सन एक रोल बनाता था, लेकिन ये स्पिनिंग जेनी जो थी वो एक ही टाइम पीरियड में एक ही व्हील पे 100 थ्रेड बनाने 100 रोल बनाना शुरू। तो सबसे ज्यादा लॉस किनको हुआ, वुमेन, बिकॉज उस टाइम पीरियड में मेनली वुमेन जो थी वो काम करती थी फैक्ट्रीज में। तो जब वुमेन को जॉब से निकाल दिया, व्हाट दे डिड, दे अटैक ऑन दीज स्पिनिंग जेनी मशीन्स। तो उस टाइम पे मैं न्यूज़पेपर में आए दिन रिपोर्ट आती थी कि इस फैक्ट्री में जो वुमेन है उन्होंने मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, मशीन्स को तोड़ दिया। क्यों डिस्ट्रॉय करती थी, बिल्कुल प्रॉपरली क्यों डिस्ट्रॉय करती थी, बिकॉज उनको ये लगता था कि मशीन्स ने उनको क्या कर दिया, जॉबलेस कर दिया। ठीक है, सो दिस वॉज अ मेन प्रॉब्लम। ठीक है, अब सपोज ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे बताया फुली ऑटोमेटिक है ना, अब आपने ये कह दिया कि हाँ जी फुली ऑटोमेटिक में भी जो मेड है उसको हम कहेंगे कि आप मेड ने काम करना, तो मेड कहेगी कि फुली ऑटोमेटिक आने से क्या हो गया, उसको जॉबलेस कर दिया कि वो वॉशिंग क्लोथ नहीं करेगी बाकी सारा काम करेगी। सपोज अगर आप कहीं गए हो बाहर तो वो क्या कर सकती है, वो मशीन को क्या कर सकती है, क्या कर सकती है, स्विच उसके क्या कर सकती है, खराब कर सकती है, क्योंकि उसको ये लगेगा कि अगर वो खराब करेगी तो शायद ये उसको एम्प्लॉय जो है वो रखेगी। ऐसे जस्ट मैंने आपको एग्जांपल बताया कि उस टाइम पीरियड में मेनी वुमेन दे अटैक्ड ऑन दीज मशीन्स, दे डिस्ट्रॉयड द सिस्टम ताकि उनको फिर से जो है वो एम्प्लॉय कर लिया जाए। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया गवर्नमेंट ने और सेक्टर्स पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, रोड बिल्डिंग्स, मैन्युफैक्चरिंग, आयरन एंड स्टील, और धीरे धीरे 1840 के बाद ट्रेंड चेंज हुआ एंड कुछ लोग अमेरिका शिफ्ट हो गए। यही रीजन होता है ना, जब उनको यूरोप में जॉब नहीं मिली तो मैनी यूरोपियंस दे शिफ्टेड टू अमेरिका, क्योंकि उस टाइम पीरियड में अमेरिका में क्या थी, शॉर्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दे शिफ्टेड, मैनी पीपल दे माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज टू अमेरिकन। और 1840 तक आते आते बिल्डिंग एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज, वर्कर्स, इवन गवर्नमेंट जॉब भी मिलना शुरू हो गया, तो तब तक जो है वो काफी हद तक सिचुएशन कंट्रोल हो गई। तो ये था सारा यूरोपियन पार्ट जिसमें मैंने आपको डिस्कस आपके साथ डिस्कस किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइम पीरियड। एक हमने डिस्कस किया 1817 और 18 का टाइम पीरियड, एक हमने डिस्कस किया 19 सेंचुरी ऑनवर्ड। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पार्ट है इंडिया एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्टोरी जो है दैट इज वेरी लॉन्ग स्टोरी, क्योंकि इंडिया पहले माना जाता था गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया कहते थे इंडिया। हमारे इंडिया में गुप्ता एज जो थी तब गोल्ड के कॉइन्स थे, आप इमेजिन करो कि उस टाइम पीरियड में करेंसी जो थी गोल्ड कॉइन्स जो है वो यूज होते थे। और हमारी इंडिया से जितना भी ड्रेन, क्योंकि हम आर कंट्री वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ फॉरनर्स फॉर सो मैनी ईयर्स, और इससे पहले सल्तनत पीरियड आपने सारा 7th-8th में पढ़ा हुआ है, उसके बाद सल्तनत के बाद मुगल डायनेस्टी के बाद ब्रिटिशर्स, तो अब खुद सोचो कि हमारी इंडिया में कितने सालों तक जो है वो फॉरनर्स ने कंट्रोल किए। हमारे इंडिया की सबसे बेस्ट आइटम क्या थी, कॉटन एंड सिल्क, इन ग्रेट डिमांड इन द यूरोपियन कंट्रीज।
तो हमारी कंट्री में ट्रेडर्स दूर दूर से आते थे कॉटन एंड टेक्सटाइल और सिल्क को खरीदने के लिए। कहाँ कहाँ से आते थे? फ्रेंच आए, पोर्टुगीज आए, ठीक है, स्पेनिश आए, देन डच पीपल दे केम, ब्रिटिशर्स दे केम, एंड 1600 नियर अबाउट हमारी कंट्री में जिस टाइम पर में मुगल डायनेस्टी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट राइट टू ट्रेड इन आर कंट्री। हमारी कंट्री में उनको राइट टू ट्रेड मिला। दे एंटर इन आर कंट्री, देयर पर्पज वॉज ओनली टू ट्रेड, बट दे बिकेम कॉलोनियल मास्टर्स ऑफ आर कंट्री। हाउ दे कंट्रोल, दिस इज द स्टोरी ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैनी अमेरिकन एंड पर्शियन मर्चेंट्स हमारी कंट्री में, इवन अर्मेनियन एंड पर्शियन मर्चेंट्स दे ऑल्सो केम एंड दे ट्रेडेड, इवन मैनी पीपल दे केम फ्रॉम अफगानिस्तान, पर्शिया, सेंट्रल एशिया, दोनों रूट आते थे, लैंड भी आता था और सी रूट भी। सी रूट की बात करें तो हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन से थे? सूरत एंड मसौली पट्टनम। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने से इन पोर्ट्स की वैल्यू क्या हो गई? खत्म हो गई, ठीक है। और किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी? बॉम्बे एंड कैलकटा। अब हमने रीजन बताना है कि क्या रीजन था, बिकॉज ब्रिटिशर्स दे सेट अप देयर फैक्ट्रीज इन बॉम्बे एंड कैलकटा, उनका मेन ट्रेडिंग वहां से होती थी, जिससे सूरत और मसौली पट्टनम में बहुत ज्यादा जो है वो लॉस फेस किया गया, ठीक है। यस, इसके बाद फिर हमने ये बताना है, डेटा डेटा नोट करो, सूरत का डेटा नोट करो। नियर अबाउट 17th सेंचुरी टोटल 16 मिलियन यानी कि इंडिया का पूरे ट्रेड का 16 मिलियन जो है वो कहां से कैरी होता था? सूरत से। बट इन 1740 इट रिड्यूस अप टू 3 मिलियन। पूरे इंडिया का ट्रेड कंट्रीब्यूशन, सूरत का कंट्रीब्यूशन कितना रह गया? ओनली 3 मिलियन, जो ये शो करता है लॉन्ग डेक्लाइन ऑफ सूरत एंड मसौली पट्टनम। रीजन क्या था? बिकॉज इंपॉर्टेंस ऑफ बॉम्बे एंड कैलकटा इंक्रीज। अब हमारी कंट्री में, जब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स आए, उनका सिर्फ एक ही टारगेट था, इंडिया को क्या बनाना? एक मार्केट, ताकि इंडिया से वो क्या खरीद सकें? टेक्सटाइल, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल, क्योंकि यूरोप में इसकी बहुत डिमांड थी। अब जो हमारे इंडियन वीवर्स थे, जो कपड़ा बुनते थे, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग प्रॉपर वेजेस एंड मनी फॉर द प्रोड्यूस, बिकॉज एट दैट टाइम प्रॉफिट वॉज शेयर्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। हमारे इंडिया के वीवर्स जो थे वो इतनी अच्छी क्वालिटी का कॉटन बनाते थे, एजेंट्स जो यूरोप से आते थे हमारी कंट्री में, वो यहाँ से सस्ते रेट पे कपड़ा खरीदते थे, और जब वो यूरोप जाते थे तो वहां पे हाई रेट पे उसको बेचते थे। तो इसका मार्जिन किसकी पॉकेट में जाता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी और जो मिडल मैन होते थे। एंड इंडियंस दे वर फेसिंग ट्रबल एंड प्रॉब्लम। ये तो वो टाइम था जिस टाइम पर में हमारे इंडिया की कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब ब्रिटेन में अपनी ही मिल्स खुल गई, तो उन्होंने पॉलिसी को क्या कर दिया? दे चेंज देयर पॉलिसी, दे वर वेरी सेल्फिश। अब उन्होंने क्या किया? वो अपनी मिल्स का बना हुआ कपड़ा प्रमोट करना चाहते थे, जो वहां के मिल ऑनर थे। उनके मिल ऑनर ने अपनी गवर्नमेंट को कंपेल किया कि आप इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल को क्या कर दो? कॉस्टली कर दो। कॉस्टली करने के लिए क्या होता है? उसके ऊपर ड्यूटीज लगा दो, टैक्स लगा दो, ताकि जब वो वहां पे बिके तो उसका रेट क्या हो? ज्यादा। ऐसा ही हुआ। फिर धीरे धीरे हमारी कंट्री का कॉटन टेक्सटाइल जो था उसके ऊपर ड्यूटीज इंक्रीज कर दी, और ये कॉस्टली हो गया, और फॉरेन कंट्रीज में इसका रेट बढ़ जाने के कारण धीरे धीरे हमारे इंडिया की कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड कम हो गई, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी उनके पास अपनी मिल्स थी, देवर मेकिंग। अब उनको हमारी कंट्री का कॉटन टेक्सटाइल नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था? ओनली रॉ मटेरियल, क्योंकि कॉटन बहुत अच्छी थी हमारी कंट्री की। देन नाउ इंडिया वॉज ओनली अ मार्केट फॉर रॉ मटेरियल, रॉ कॉटन। तो ये पार्ट हम कल करेंगे, जिसके बाद हमने बताना है कि व्हाट हैपन टू द वीवर्स एंड हमारी कंट्री में कौन कौन सी नई नई इंडस्ट्रीज बनी।
और कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन इंडियंस ब्रिटिशर्स का है, बट स्टिल दे वर सेल्फिश, दे सेट अप इंडस्ट्रीज इन आवर कंट्री फॉर देयर ओन मोटिव. तो कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग्स भी हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, कहीं ना कहीं कर्स भी है. तो बोथ मिक्स एंड मैच है हमारी इंडिया. क्लियर बच्चे? एनी डाउट रेज योर हैंड. नो?